Here we are inside the cave. Nature over here is literally so beautiful, na? और पिछली हिस्ट्री ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। बताया था यार टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है, तो ये जितनी मुझे नॉलेज थी, जानकारी थी, मैंने उस बारे में आप सबको बता दिया है। बताओ, एलोरा केव जो है वो छोटा भी नहीं है। दिस यू कैन सी, सो देयर आर नंबर्स गिवन बिलो, K15, K12, K10, बिकॉज यहाँ पर बहुत बहुत सारे केव्स हैं। बिकॉज दिस इज द वन, एज आई टोल्ड यू, इट्स रिटन ओवर हियर डाउन, केव नंबर 14। ओके, सो हियर वी आर गोइंग बैक साइड। This one is cave 13. And we can't go inside because यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ only caves बने हुए। The end जब हम लोग वहाँ गए थे, we saw the monuments built inside। मतलब बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, एक historic, मतलब जिसको history पसंद है तो उसको भाई ये सब जगह बहुत पसंद है, because नॉलेज भी मिलती है और सब पुराना बना हुआ है, पिछली सदी हिस्टोरिकल है, तो अच्छा लगता है एक्सप्लोर करने, देखने को लिटिल इनसाइड, देखते हैं। हियर मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं जाऊँगी बिकॉज मुझे यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, तो मुझे काफ़ी डर भी लगता है ऐसी जगहों पर। हिस्ट्री मेरा फेवरेट है। ओके, मतलब यहाँ लोग हैं, डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। सो यू वी आर इनसाइड। सीरियसली मैं कभी कभार सोचती हूँ कि मतलब कितना दिमाग था ना वो लोग को, इतना दिमाग हम लोग को है ही नहीं अभी के जनरेशन में। मतलब इतना सब कुछ बिल्ड करना, इतना सब, इट्स नॉट ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट है। और लिटरली मैं बताऊँ, एलोरा केव जो है वो छोटा भी नहीं है, इट्स too much big. So now we are in gate number, cave number 11. Behind you can see. और जो उधर पेंटिंग वेंटिंग वगैरह जो थी वो सब डैमेज हो गई है, I don't know कैसे डैमेज हुई, but अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, जो आइडियल्स थे ये सब वो सारे डैमेज हो गए। तो here we are now on cave number 9, I think so. So चलिए, I'll show you. बिकॉज़ यहाँ का बिहाइंड वाला सीन ना बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। सो वी आर ऑन गेट नंबर 10, ये रहा, और एज आई टोल्ड यू वाटरफॉल, छोटा सा ही है बट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा प्यारा है। सीरियसली जो नेचर होता है ना, नेचर का जो सुकून इंसान को मिलता है ना यार, वो बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला होता है, बहुत अच्छा लगता है। अब शायद वाओ, सो ये हमारा जो झरना है, मुझ पर जो ये चीटी चीटी भी आ रही है, बट अच्छा लग रहा है। आई विश आपको भी पसंद आया होगा मेरी तरह, क्योंकि मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे सीरियसली बहुत चीज़ें आके अट्रैक्ट कर रही है। फाइनली इनसाइड द केव, और इतना मुझे मज़ा आ रहा है, मतलब अकेली हूँ यहाँ पर। ओए, यो वी रीच्ड अप, सो वाओ अमेजिंग, एज यू कैन लुक बिहाइंड, मोन्यूमेंट्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो ये रहे यहाँ के मोन्यूमेंट्स। Thank you.
उससे ही चल के देखते हैं। अब हम चलते हैं उस साइड पर और वहाँ देखते हैं। और एज यू कैन सी यहाँ पर K5 की कुछ डिटेल्स है। हियर दिस इज अ वेरी बिग एंड इम्प्रेशन बुद्धिज्म मॉन्ट्रेज रेबल खा का। इसके अंदर भी चलना चाहिए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलते देखते यहाँ पर भी क्या है ऊपर की तरफ। इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हो। So here we are going down. As you can see, amazing था view ऊपर का, अच्छा था। तो मैंने आपको थोड़ा Ellora की information भी दी, थोड़ी जानकारी भी बताई। अच्छा लगा यहाँ पर भी घूमे फिरे, बहुत सारी जगहें देखी। यहाँ पर मैंने cave number बताया आपको, यहाँ के जो थोड़े थोड़े मतलब यहाँ पर आपको guides मिलेंगे। हाँ,
अगर आप आओगे पूछताछ करने के लिए तो जाहिर सी बात है आपके साथ गाइड्स होंगे, अकेले तो आप नहीं रहोगे यहाँ पर, तो आप पूछताछ कर सकते हो यहाँ पर आके गाइड से, मिल सकते हो, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने बताया आपको जितना मुझे नॉलेज था, जितना मुझे पता था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी चलते बाहर, थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ आपको बाहर से एलोरा केव्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।